हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हेयर केयर डीआईवाई लेकर के आई हूं। आज के इस डीआईवाई में मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप जो है घर के कुछ नुस्खों से आप अपने बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन में जो है लगभग 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो अपने बालों में व्हाइट हेयर से लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। उसके ग्रे हेयर जो है बहुत ही जल्दी आने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे नहीं लगते हैं। इसके लिए आपको आज का ये नुस्खा बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज के इस नुस्खा को बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ले रही हूँ ये हमारा है बारहमासी का फूल या पत्ता। बारहमासी यानी सदाबहार फूल भी बोलते हैं दोस्तों, उसको सदाबहार के पत्ते बोल सकते हैं। एवरग्रीन प्लांट होता है ये, हमारा जो है 12 मास फूल देता है, इसलिए इसको 12 मासी फूल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं ले रही हूँ यहाँ पे इसकी पत्तियां, आप इसके फूल भी ले सकते हैं। पत्तियां दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है, डायबिटीज में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। कहा जाता है अगर डायबिटिक के पेशेंट इसको रोजाना सिर्फ 2 पत्तियों को ही चबाएंगे तो उसकी डायबिटिक बहुत ही अच्छे से कंट्रोल होगी। उसके साथ साथ ही दोस्तों ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो कि दर्द वर्द में बहुत ही फायदेमंद होता है और दोस्तों हमारे बालों के लिए भी वरदान होता है। बालों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, उसको दूर करता है। आपकी स्कैल्प को ये मजबूत करता है और आपके डैंड्रफ वगैरह को भी दूर करता है दोस्तों। और इसके साथ सबसे ज्यादा जो बेनिफिट करता है, ये हमारे ग्रे हेयर को आने से रोकता है। अगर आपके हेयर ग्रे हो रहे हैं बहुत ही जल्दी, तो बहुत ही अच्छे से स्कैल्प में जाकर के जो ग्रे होने के चांसेस होते हैं ना, उसको ये कम करता है और आपके बाल जड़ से काले आने शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, हर घर में लगभग होता ही होता है ये हमारा 12 मासी वाला फूल। अगर आपके पास नहीं है तो अगल बगल कहीं ना कहीं दोस्तों जरूर से जरूर आपको ये मासी 12 मासी यानी कि एवरग्रीन फूल मिल जाएगा। उसको आपको लेना है, उसमें से आपको लगभग 8-10 पत्तियां तो लेनी है और उस पत्तियों को अच्छे से वॉश कर लीजिए पहले, क्योंकि बाहर में धूल वगैरह डस्ट वगैरह होने की वजह से बहुत सारे उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको इस तरीके से कद्दूकस इस तरीके से उसको क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद अगर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है तो उसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, पीस सकते हैं, और इस तरीके से उसका आपको पानी ले लेना है, जूस ले लेना है। आप देख सकते हैं हल्का पानी डाल करके हमने इसको अच्छे से क्रश कर लिया है और इसका पानी ले लिया है। एकदम बहुत ही मैजिकल पानी है दोस्तों, सच में यकीन मानिए, आप ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, आपके बालों को बहुत ही बढ़िया फायदा पहुंचाएगा। उसके साथ इसमें डालना है आपको नींबू यानी दोस्तों लेमन, विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको पता है नींबू के कितने फायदे होते हैं, हर चीज में फायदेमंद होता है, हेल्थ में हो, हेयर में हो, स्किन में हो, किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिए, हर तरीके से फायदेमंद होता है नींबू दोस्तों। विटामिन सी का सेवन किसी न किसी प्रकार से आपको करना चाहिए, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी रहेगी तो आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हमारे बालों को भी विटामिन सी की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा नहीं लेना है, आधा से भी आधा नींबू का रस के अंदर डाल देना है। मान के चलिए आधा चम्मच यहाँ पे हमने नींबू का रस लिया है दोस्तों, हमारे बालों के स्कैल्प में जाकर के हमारे बालों के स्कैल्प में जैसे डैंड्रफ वगैरह की समस्या को दूर करता है और इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देता हमारे बालों में, और हमारे बालों के ग्रे हेयर जो होने के चांसेस होते हैं उसको खत्म करता है। उसका दिन यहाँ पे आपको एड करना है इसमें ऑलिव ऑयल दोस्तों हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, और दोस्तों हमारे बालों को जैसे ग्रे हेयर वगैरह आने लगते हैं ना, तो आपको ऑलिव ऑयल कंटिन्यू लगाना चाहिए, आपके बालों को जड़ से काला करेगा। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच ही लिया है, तो सिर्फ 3 चीजें ही आपको लेनी है, सदाबहार का फूल या फिर पत्ती, उसमें आपको ऐड करना है आधा चम्मच नींबू का रस, और उसके बाद लेना है आपको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये तीनों मिला लीजिए और आपको अच्छे से आपके बालों के स्कैल्प पे लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जो शुरू होती है हमें हमारे बालों की जड़ों से ही शुरू होती है। अगर आपके स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगी, स्कैल्प में किस तरह का कोई इन्फेक्शन रहेगा नहीं रहेगा, और आपके जैसे बाल बहुत ही ज़्यादा साफ रहेंगे, क्लीन रहेंगी, तो आपको दोस्तों वैसे भी हेयर की बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी। हेयर जो अक्सर व्हाइट हेयर आने के चांसेस शुरू हो जाते हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से आपको पूरे बाल को स्कैल्प पर लगाना है। व्हाइट हेयर जहाँ पर अक्सर बहुत ही ज़्यादा होती है, वो हमारा जो सर का जो मिडल वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शुरू होती है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से लगा लेना है। लगाने का दोस्तों इसको आपको 15 से 20 मिनट तक ज़रूर से ज़रूर मालिश करें, ताकि इसकी जो रस है ना वो आपके स्कैल्प के अंदर तक जाएगा, और फिर आपको इसको 15 से 20 मिनट तक मालिश कर लेना है। उसके बाद आपको रख देना है 2 घंटे, ज़रूर रखने अपने बालों में। 2 घंटे के बाद इसको आप नॉर्मल वॉश कर सकते हैं, जैसे शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं,
कोशिश करें कि ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल नहीं करें। बहुत सारे अच्छे से मार्केट में शैम्पू, मैंने लिंक में बहुत सारे अच्छे से शैम्पू के लिंक भी दिए हुए हैं, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। सभी के सभी शैम्पू बहुत ही अच्छे होते हैं। आजकल न्यूट का मैंने जिंजर शैम्पू का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देखिए ज़रूर, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्रे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा शैम्पू है, ट्राई कीजिए दोस्तों। और हमें बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना।